नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर आपकी है 15 और डेट ये आपकी है 9/8/2021, सोमवार की डेट की है, आज की तारीख की है वर्कशीट। इस वर्कशीट में आपके पास रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलीनोमियल, इस पर हम चर्चा करेंगे। और वीडियो देखने से पहले एक बात ध्यान रखना, आप इस वीडियो को कम से कम 480 पिक्सल पर देखना। उसके लिए आप क्या करोगे, इसके राइट कॉर्नर में यहाँ पे जाना, यहाँ तीन डॉट मिलेंगे, तीन डॉट पे क्लिक करोगे तो जो सेकंड ऑप्शन है क्वालिटी वाला उस पे जाना और वहाँ पे 480 पिक्सल कर देना ताकि वीडियो अच्छे से दिखाई दे आपको। और ये लैंडस्केप में मैंने पोर्ट्रेट में बना रखी, मैंने लैंडस्केप में नहीं बना रखी ताकि फ़ोन को आपको चेंज ना करना पड़े। और ये मैंने इसको पार्ट में कर रखा है, देखिए एक पे पार्ट कर दिया मैंने ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, एक ही तो दो पार्ट में है ये तो पूरी वर्कशीट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, इस वर्कशीट को समझा देता हूँ मैं आपको। क्या देखा सबसे पहले कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए आपको, ये जो ग्रीन अक्षर में दिखाई दे रही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको दिखाई दे रही होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए जो जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर ए जीरो हो गया तो आपके पास केवल बी एक्स प्लस सी रहेगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये क्वाड्रेटिक रही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें एक्स की अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। जैसे ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैंने लिख दिया टू एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दिया टू एक्स क्यूब, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर कितनी आ गई, थ्री, टू से ज़्यादा आ गई, ठीक है। तो टू पावर होनी ज़रूरी है उसमें, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और जब इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल दे रखा था, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस टेन। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो एक्स स्क्वायर के साथ में है वो क्या है, थ्री, ये बता देता हूँ आपको, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस टेन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेस्ट कंपेरिजन कर लो, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, इनपे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालनी बहुत ज़रूरी है। देखिए आपके पास ये जो वैल्यू है ये ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, समझा रहा हूँ आपको पहले, तीन, और जो एक्स के साथ में वो बी की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, ये बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू इलेवन, और जिसके साथ में एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है वो सी है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, टेन। ऐसे निकाल दें, कई बार डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये हो गया आपका सारे कोएफिशिएंट कैसे पता करते हैं, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब आ जाइए आप जीरोज पे, जीरोज कैसे निकालते हैं। जीरोज का मतलब होता है पॉलीनोमियल में एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करो जो उसको जीरो बना दे, ठीक है। अब ये जीरोज निकालने का भी तरीका होता है, जैसे आपको ये पॉलीनोमियल दिया गया है, ये केवल पॉलीनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं है, जैसे इसकी जीरोज हमें निकालनी है, थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक्स की पुट जीरो के को पुट कर दिया। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, जो एक्स के साथ में पहले प्लस माइनस है वो जाएगा लेफ्ट में, राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव। अब भी एक्स के साथ में क्या है, थ्री है, उसको भी उस साइड पहुँचा देंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये रूल आपको बेसिक पता होना चाहिए। प्लस की चीज़ उस साइड जाएगा माइनस हो जाती है, माइनस की प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये क्या आ गई, जीरोज होगी इसकी, इस फंक्शन में पुट करोगे तो उसको जीरो बना देगा। दूसरा एग्जांपल इसने दे रखा है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू को इक्वल जीरो पुट कर लिया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू। अब आप इसमें यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे, ये वापस वैल्यू इसमें पुट कर दो, जैसे हम इस पर वेरीफाई कर रहे हैं, वापस पुट कर दो, एक्स की जगह माइनस टू पुट किया, यहाँ पे प्लस टू, तो माइनस टू से माइनस टू का आंसर कितना आ गया, जीरो, ठीक है। तो दोनों साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो इसका मतलब ये
इसकी जीरो जो जीरो बना दिया इसने इसको, ठीक है। तो जीरो जैसे निकालते हैं, अगर इसकी निकालनी है तो इसको जीरो के ऊपर पुट कर देंगे। जैसे इसने दिखा रखी इसकी निकाल के फैक्टराइजेशन से, नाइन्थ में आपने सीखा था 3x² प्लस 11x प्लस 10। 11 को इसने टू पार्ट में फैक्टर कर लिए, 6x लिख सकते हैं प्लस 5x लिख सकते हैं 11 को। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 3x, यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा 3x कॉमन। 3x कॉमन लेने का मतलब है कि 6x को किससे डिवाइड कर रहे हो, 3x से। x से x कैंसिल, 2 आ गया, देखिए 2 ही है यहाँ पे। यहाँ पे प्लस 5 कॉमन ले लिया, यही आना चाहिए, ऐसा कॉमन लेना, प्लस 5 कॉमन, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 10 में से 5 कॉमन लेने का मतलब है 5 से डिवाइड, तो कितना आ गया 2। तो x प्लस 2 वापस कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा आपके पास 3x, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 5। बस आपका x प्लस 2 और 3x प्लस 5 आपका क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएंगे। चलिए इस वर्कशीट में आगे चलते हैं। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल। ये पॉलीनोमियल बस दिया गया है, इसकी जीरोज और कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना है। कोएफिशिएंट और जीरोज में फॉर्मूला होता है, इसने दिया नहीं है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला होता है, कोई ना बाद में देखेंगे, पहले तो इसकी क्या निकालो, जीरोज निकालो। फर्स्ट वी विल फैक्टराइज द पॉलीनोमियल, फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। फैक्टराइज करने के पास आ गया आप, x प्लस 6x माइनस 2 आ गया। जब भी जीरोज निकालनी है, जैसे ये आ गया आपके पास फैक्टराइजेशन, अगर इसमें जीरोज निकालनी है तो दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर दो। एक तो x प्लस 6 ये भी जीरो हो जाएगा, और x माइनस 2 ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जीरो करेंगे तभी तो जीरो आएगा। या तो ये जीरो हो सकता है या ये जीरो, यहाँ से वैल्यू आ गई x इजिकल टू माइनस 6, ऐसे निकलते हैं, ये जीरो जाएगी, एक दूसरी आ जाएगी उस साइड जाएगी, प्लस का हो जाएगा x इजिकल टू 2। तो दो जीरो जा गई आपके पास, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोज निकालने का फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने का है सी बाई ए, ठीक है। दो फॉर्मूले यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर दिए गए हैं सम ऑफ जीरोज का माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का सी बाई ए, लेकिन ए बी सी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें देखिए मैंने आपको करवाया था पीछे, इसको यूँ का यूँ लिख लो, ठीक है। इसको कंपेयर कर दो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, वन आएगा, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी होगी वन। बी एक्स के साथ में क्या है फोर, फोर किसकी वैल्यू बी की, इसके साथ में कुछ भी नहीं है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना कि माइनस ट्वेल्व भी साथ में माइनस भी लेनी है, माइनस का ट्वेल्व है, ट्वेल्व ट्वेल्व ले लो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करोगे भाई, ये दो जीरो जा चुके हैं, इनका सम कितना होगा, इन जीरोज का सम निकालो। सम का मतलब है इनका जोड़ दो, माइनस की 6 आई है और प्लस का 2, क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब इस फॉर्मूले से करना है, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या है माइनस 4। देखिए फॉर्मूले से करते हैं, बी की वैल्यू 4 है तो माइनस पहले से है, बी बाई ए, ए कितना है 1, तो माइनस 4 बाई 1 माइनस 4 आ गया। देखिए फॉर्मूले से भी यही आ रही है और वैसे हमने निकाले तो भी, तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। ऐसे सी बाई ए को वेरीफाई करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है माइनस 6 गुना 2, दोनों जीरोज थी, 6 दोनों कितना आ गया माइनस 12। अब फॉर्मूले से कीजिए सी बाई ए, सी कितना है माइनस का 12, डिवाइड किससे कर देंगे ए से, तो क्या आ जाएगा माइनस का 12 ही आ जाएगा। ऐसे आपको वेरीफाई करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसमें, नेक्स्ट तो इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं घर के लिए, वो भी करवा देते हैं। तो देखिए ये होमवर्क में दिए गए थे आपको, पहला क्वेश्चन है इसमें, पहले का पहला पार्ट दिया हुआ है। पहले क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ए बी सी, सिर्फ ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। पहले इसमें निकालनी है 7x² और ये माइनस का 4x है, प्लस का 9 आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ।
इसमें निकालनी है। तो कंपेयर कर लो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। जैसी कंपेरिजन करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ में वो ए है। अब सीधा याद रखो आप, ए की वैल्यू 7 आ गई, जो भी एक्स के साथ में है वो माइनस 4 है, वो किसकी वैल्यू, बी की। बी की वैल्यू कितनी, माइनस 4। अब माइनस भी साथ में लेना है, और जो अकेला है वो किसकी वैल्यू है, सी की। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 9। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसके बी पार्ट में फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 3, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, डायरेक्ट कर लेता हूँ अब बी एक्स के साथ में जो है, अब एक्स के साथ में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब हम 1 मान लेते हैं। जब कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस माइनस एक्स ही आ जाएगा। तो इसका मतलब बी के वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1। 1 माना था ना, माइनस पहले से है, माइनस भी साथ में लेनी, ये चीज़ ध्यान रखनी। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप। अगला देखा, फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड फाइंड इट्स जीरोस। फैक्टराइजेशन करना है। चलिए एक क्वेश्चन तो यहीं करवा देता हूँ मैं, बाकी अगले पेज पर करवाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये फैक्टराइजेशन जिसको समझ में नहीं आया है वो हमारे चैनल पर जाकर फैक्टराइजेशन की वीडियो देख सकता है। बाकी यहीं भी, यहाँ भी करवा देता हूँ मैं। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो डिजिट है उसको अलग से लिख लो, और जो यहाँ डिजिट है उसको अलग से लिख लो। अब ऐसे करना है कि इन दोनों का जोड़, कोई दो अंक ऐसे लेने हैं कि ये तो जोड़ बने और ये गुणा बने। तो ऐसे दो अंक क्या होंगे, 5 और 1। जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 एक 5। देखिए जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6। ये तो बोला था मैंने, जोड़ 6 होना चाहिए इनका, गुणा 5 होगी। बस अब क्या करना है, इस संख्या को, इस जो आपके पास टर्म दे रखी है 6x, इसको इसमें तोड़ लेना 5 और 1 में। मतलब इसको लिख सकते हैं हम 5x और x लिख सकते हैं, वापस जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। अब पहले वाले में कॉमन ले लो, यहाँ पे x कॉमन तो x ही रह गया, यहाँ पे x कॉमन तो यहाँ पे प्लस का 5 रह गया। यहाँ पे क्या कॉमन लें कि यही बचना चाहिए, तो प्लस का 1 ही कॉमन ले लो, यूँ का यूँ आ जाएगा पूरा का पूरा। 1 कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन पर, ठीक है, क्योंकि इनके साथ में 1 तो है ही सभी के साथ में। अब वापस फिर ये कॉमन ले लो, जैसे ही आपने ये कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया, एक्स, और यहाँ पे क्या रह गया, प्लस का 1। अब जीरो फाइंड आउट करनी है तो इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो एक बार तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 5। एक बार एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1। तो ये इसकी जीरोज होगी, पुट भी करके देख लेना, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ये हमने कर लिया, ये नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरे का सेकंड क्वेश्चन आ गया बी। हमारे पास क्या दिया गया, 2x² माइनस का 7x प्लस का 5, इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। मैंने क्या कहा था, बीच वाली संख्या उठानी है, लेकिन वहाँ अब हमारे पास क्या है, 2 भी है साथ में, ठीक है। तो वहाँ एक्स के साथ में कुछ भी नहीं था, देखो कुछ भी नहीं था, यहाँ पे क्या है, माइनस 7 एक्स के साथ में 2 भी आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये तो यूं का ही रहेगा, माइनस का 7, माइनस भी साथ में लेनी है, और यहाँ ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई कर दो 10। अब आपके पास क्या आ गया, जोड़ तो माइनस 7 होना चाहिए, ऐसी दो संख्या लेनी है, और उनकी गुणा कितनी होनी चाहिए, 10। तो ऐसे दो डिजिट आपके पास हो जाएंगे दोस्तों, माइनस का 5, माइनस का 2। देखिए जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा, जब जोड़ करोगे इनका तो आ जाएगा माइनस का 7, और जब इसकी गुणा करोगे तो माइनस 2 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ये प्रैक्टिस से होगा, जब प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपसे सॉल्व हो जाएगा ये। अब मैं क्या करूँगा, 2x², इसको इसमें तोड़ लूँगा, माइनस का 5x लिख सकता हूँ यहाँ पे, माइनस का 2x, और यहाँ पे प्लस का 5। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे कॉमन कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है, 2 कॉमन आएगा ही नहीं। तो जैसा आप चाहो, अगर ना कॉमन आ रहा हो तो सिर्फ एक्स ही कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x, और यहाँ पे एक्स कॉमन लेने से माइनस का 5 बच गया। यहाँ अब क्या कॉमन लें कि 2x माइनस 5 बच जाए,
ये प्लस का चाहिए और ये माइनस का, तो माइनस का वन कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचा 2x और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 5। कॉमन लेने का मतलब होता है जैसे प्लस 5 में से माइनस वन कॉमन ले रहा हूँ, मतलब माइनस वन से डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोचा करो आप, ऐसे जैसे माइनस 2x में से मैं कॉमन ले रहा हूँ माइनस का 1, तो माइनस वन से डिवाइड कर रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे वापस 2x माइनस वन कॉमन, तो यहाँ पे 2x माइनस 5 सॉरी कॉमन, यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1। अब जीरोज निकालने के लिए इस पूरे को जीरो के अंदर पुट कर दो, तो दो टाइप हो जाएगा, एक तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, एक x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 और यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, तो 2 जीरोज होगी इसकी, दोनों आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है, ए हमने कर लिया था, बी अब हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, देर क्या पूछा है इसमें, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। अब प्रोडक्ट और सम निकालना है, जीरोज निकालने का फॉर्मूला, सम एंड प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला आपके पास है। जब सम निकालना हो तो फॉर्मूला आपका माइनस का बी बाई ए, ध्यान रखना आपको, और प्रोडक्ट निकालनी हो तो आपका फॉर्मूला है सी बाई ए। बस ए बी सी के वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ से देखिए 6x स्क्वायर है, माइनस का 5x है, प्लस का 6। ए बी सी की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू 6 जो भी एक्स के साथ में, बी की वैल्यू एक्स के साथ में माइनस 5, सी की वैल्यू जो अकेला है ये सी की वैल्यू है। अब क्या निकालना है इसमें, प्रोडक्ट सम निकालना है, तो सम क्या हो जाएगा माइनस का बी बाई ए, बी की वैल्यू पहले से ही माइनस है, बस यहाँ रख दो, ए की वैल्यू 6 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/6 आपका आंसर आ गया। अब प्रोडक्ट निकालनी है, वो होती है सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है 6 और ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 6/6 कितना आ गया 1। अब यहाँ जीरो निकालने की जरूरत आपको नहीं है, अगर फॉर्मूला याद आ तो ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले पेज पर करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 है, ये आपका तीसरे का बी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 18, ये आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। माइनस का है यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसको रख कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 7x है और माइनस का 18 है। बस ए बी सी की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू जो एक्स के साथ में है माइनस का 7, सी की वैल्यू है यहाँ पे 18, माइनस का 18। सम निकालना है तो होता है माइनस बी बाई ए, मैं बार बार लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, माइनस 7/a, यहाँ गलती मत कर देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/1, यानी 7 आपका आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट निकालनी है तो वो होता है सी बाई ए, सी कितना माइनस का 18 और ए कितना है 1, तो माइनस का 18 आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट बचा इसमें, वो भी देख लेते हैं, 4। तो नेक्स्ट आपके पास आ गया 4, 4 में पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है कि हमें वेरीफाई करना, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच, यानी जीरोज आपकी क्या होती है एक्स की वैल्यू जो भी आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू आएंगी, जितनी पावर मैक्सिमम हो एक्स की उतनी ही जीरोज निकलती हैं, दो पावर मैक्सिमम पावर दो है तो दो जीरोज आएंगी इसमें, कुछ भी आ सकती हैं। ठीक है, ऐसे ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, वेरीफाई कर लेंगे। चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, एक को तो एक्स स्क्वायर 11x प्लस का 18, पहले तो ए बी सी वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू कितनी है 1, कुछ भी नहीं है तो 1 मानी जाएगी, बी की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू 18। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब ए बी सी की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस का 11 बाई बी की, ए की वैल्यू 1 है तो माइनस का 11 आ गया। जब प्रोडक्ट की बात करेंगे, मैं पीछे नोट करता हूँ प्रोडक्ट को, ये होता है सी बाई ए, सी कितना है 18 और ए की वैल्यू 1 है तो 18 आपका आंसर हो गया। लेकिन हम जीरोज निकाल के भी इसको सॉल्व करेंगे, जीरोज निकाल लेते हैं इसकी,
मैंने आपको बताया था कि बीच वाला डिजिट उठाओ 11 और लास्ट वाला उठाओ 18, या कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो यही आना है। अब जोड़ तो होना चाहिए 11 और मल्टीप्लाई होनी चाहिए 18, ऐसे दो अंक आपको चाटने हैं। तो ऐसे दो अंक हो जाएंगे 9 और 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 और 2 जोड़ोगे तो 11। तो अब क्या आपको कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर इसको साथ में लिख दो 9x, और यहाँ लिख दो 2x, 9 और 2 11 हो जाएगा, वापस लिख सकते हैं 11x को ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले वाले में x कॉमन, तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पे x कॉमन, मैंने पहले ही बताया है बहुत बार, 9x में से x कॉमन लेने का मतलब है x से डिवाइड, तो क्या बच जाएगा 9, तो 9 यहाँ पे बच गया। यहाँ पे 2 वापस कॉमन लेंगे, यहाँ पे x प्लस 9, ये आप सीख लो अच्छे से, x प्लस 9 वापस कॉमन आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 9 और x प्लस 2 इजिक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी माइनस 9 और एक आ जाएगी माइनस 2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब इसने बोला था इनका सम, सम करोगे तो माइनस 9 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 11, और जब प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 9 इंटू माइनस का 2 कितना आ जाएगा 18। आपके पास देखिए, ध्यान से देखिए, जो एस की वैल्यू है वो भी कितनी आ रही है आपके पास, माइनस का 11, और प्रोडक्ट की वैल्यू भी कितनी आ रही है आपके पास 18। चाहे हमने फॉर्मूले से निकाला हो और या फिर हमने डायरेक्ट निकाला, दोनों हमने वेरीफाई कर दी, ऐसे वेरीफाई करना आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी मैं अगले पेज पर बताता हूँ। 2x² माइनस 7x प्लस 6, ये आ गया आपका फोर्थ का बी, 2x² है माइनस का 7x है और क्या था प्लस का 6, ठीक है। ए बी सी पहले निकालो, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू माइनस 7, सी की वैल्यू 6। पेपर में अगर पूछता है सम प्रोडक्ट तो आप ऐसे निकालना डायरेक्ट, तो सम क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए, माइनस पहले से है, माइनस का ही ये है, ए की वैल्यू 2 है तो कितना आ जाएगा 7/2। ऐसे ही जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा सी बाई ए, सी आपके पास 6 है, ए की वैल्यू 2 है, 6/2 करेंगे 3, कट रहा तो काट दो, दोनों आ गया। अब हम निकालेंगे इससे फैक्टराइजेशन से, 2x² माइनस 7x प्लस 6 इजिकल टू 0, यू तो यू का ही उठाना है, माइनस का 7, अब 6 उठाओ और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे जो ए के साथ में, ए के साथ में 2 है, तो आपके पास माइनस 7 तो जोड़ होना चाहिए, मल्टीप्लाई होनी चाहिए 12, ऐसे दो अंक चाट रहे हैं, ऐसे दो अंक हो जाएंगे आपके माइनस का 4 और माइनस का 3, जोड़ोगे तो 6 7, माइनस का 7 गुणा करोगे तो 4 3 12, प्लस का 12 हो जाएगा। बस अब बीच वाली संख्या को इसमें तोड़ लो, माइनस का 4x, माइनस का 3x ले सकते हैं, माइनस 7x को, प्लस का 6 = 0, 2x इसमें कॉमन आ गया, 2x कॉमन लेने का मतलब बार बार बता रहा हूँ, 2x² में से ले रहे हो तो 2x से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल, x से ये पावर कैंसिल, 1x बच जाएगा, माइनस 4x में से 2x लोगे तो 2 बच जाएगा, यहाँ पे ऐसा कॉमन लेना वापस यही बचे, तो माइनस का 3 कॉमन ले लो, इधर x बच जाएगा, उधर माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 3 ले रहे ना, माइनस का 3 ले रहे, माइनस का 2 बचेगा, x माइनस 2 वापस कॉमन, ये कॉमन ज़रूर आएगा अगर आप ठीक कर रहे हो तो क्वेश्चन को, अदरवाइज़ यहाँ गड़बड़ कुछ गड़बड़ हुई तो यहाँ कॉमन नहीं आएगा लास्ट में। एक्स को भी 0 के अगर पुट कर लो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और 2x माइनस 3 को भी 0 के अगर पुट लो, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3/2। अब इनका सम बोला है तो सम कर दो, 2 + 3/2 कितना आ जाएगा, 2 × 4 = 7/2 आ जाएगा, और जब प्रोडक्ट करोगे तो 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 3। तो देखिए हमने वेरीफाई कर दिया है, तो सम कितना आ था, सम यहाँ पे आया था, देखिए ये रहा, ये सम था 7/2, हमारा सम भी इतना आ रहा है, ये प्रोडक्ट 3 था तो हमारा प्रोडक्ट भी 3 आ रहा है, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और पहले इस वीडियो को अच्छे से देखना है, फिर आपको खुद से अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।